बोले श्री प्राणनाथ प्यारे बोले श्री सदगुरु महाराज प्राणधार संबंधी सुंदर साद जी कल की चर्चा में हमने सुना कि विभिन्न स्थानों में जागनी करते हुए श्री जी ठानगर पहुंचे हैं वहां पर अनेक लोगों का आगमन होता है और उन्हीं में से एक है चिंतामणि जी श्री जी स्वयं पहले उनके यहाँ गए हैं और उनसे कबीर जी की कबीर जी के पुत्र कमाल के साखी के विषय में चर्चा हो रही है कि कया कौड़ी ते हीरा भया हीरा ते भया लाल आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल इसका अर्थ क्या है इसका प्रसंग क्या है किस प्रसंग में किस परिस्थिति में ऐसा कहा गया है ये हमने कल सुना है अब उसी विषय में बताते हुए श्री जी कहते हैं बिन पहचाने बोलत ना ही तुम सराफ कहाँ कबीर कहाँ कमाल विचार देखो आप विचार देखो आप एक कबीर का कीर्तन अब कमाल की साखी के विषय में तो श्री जी ने समझाया और कहा कि चिंतामणि जी मुझे लगता है कि आप अच्छे जौहरी नहीं हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हीरा कौन है लाल कौन है कौड़ी कौन है इसीलिए आप बिना पहचाने कबीर और कमाल की तुलना कर रहे हैं और तुलना भी ऐसे नहीं कबीर को आधा भक्त और कमाल को पूरा भक्त बता रहे हैं जबकि कबीर जी ऐसे हैं जिनकी साखी से आप वास्तविकता की पहचान कर सकते हैं तो कबीर जी का एक कीर्तन है कबीर जी की साखी है वह सुना है श्री जी ने जिसको सुनते ही चिंतामणि जी ने कहा अपने शिष्यों से कि देखो ये वही शब्द हैं जिनके विषय में मैं आपसे बहुत पहले से कहता था कि मुझे मेरे गुरु ने सच्चे सदगुरु के आगमन के विषय में संकेत दिया था कि इन्हीं शब्दों से पहचान होगी ये वही शब्द है वे साखी कौन सी है एक पलकते गंग जो निकसी हो गई चहुदिश पानी वही पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समाने उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत बानी वह मक्खी का मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला कहे कबीर या पद को बूझे सो सतगुरु में चेला कबीर जी कहते हैं जो इस पद्य के अर्थ को समझेगा वो सच्चा सदगुरु होगा और मैं उनका चेला अथवा मैं उनका शिष्य रहूंगा अब इसका अर्थ श्रीजी ने खोला कि अर्थ क्या है इसका तारतम ज्ञान के दृष्टिकोण से देखने पर हमें पता चलता है एक ते गंग जो निकसी हो गई दिस पानी वही पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समान अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप है जिसमें सत अंग अक्षर का है आनंद अंग में श्यामा जी सहित ब्रह्म सृष्टिया हैं चिदघन स्वरूप जी हैं मूल स्वरूप जी ने हृदय में ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाने का विचार हृदय में लिया जिसको हम वाणी में कहते हैं पहले लई हके दिल में पीछे आई माहे नूर ता पीछे हादी रूहन में योकर हुआ जहूर तो ये जो मूल स्वरूप के हृदय में खेल दिखाने की इच्छा उत्पन्न हुई उसको गंगा की संज्ञा दी है और क्या कहा उस पानी में उस इच्छा रूपी पानी में दो पर्वत ढक गए अथवा डूब गए वे दो पर्वत कौन से हैं एक है सत अंग और एक है आनंद अंग अक्षर और ब्रह्म श्यामा जी ये दोनों पर्वत डूब गए अर्थात तो सब में फरामोशी का पर्दा छाया अब उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत बाणी तरवर कहते हैं वृक्ष को इस संसार को शास्त्रों में वृक्ष की संज्ञा दी है और वो भी उल्टे वृक्ष की ऊर्धमूलम अध शाखम अश्वत्थ प्राहुर वाणी क्या कहती है वैराट का फेर उल्टा मूल है आकाश डारे पसरी पाताल में यो कहे वेद प्रकाश ये जो विराट रूपी वृक्ष है ये उल्टा है इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और डालियां नीचे की तरफ है पाताल की तरफ है तो ऐसे संसार रूपी वृक्ष में उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी परब्रह्म की इच्छा रूपी मक्खी ने इस संसार में आकर बोलत अमृतवाणी धर्म ग्रंथों में अमृतवाणी कहा अमृतवाणी का तात्पर्य यहां पर परब्रह्म के कल अट्ठाईसवीं कल में आगमन के संबंध की जो भी भविष्यवाणी थी वे लिखवाई अब कहते हैं वह मक्खी के मक्खा नहीं वह जो इच्छा अथवा हुक्म रूपी मक्खी है अथवा हुक्म रूपी शक्ति है उसका कोई अलग मालिक नहीं है क्योंकि हुक्म का मतलब तो राज्य का ही स्वरूप हुआ ना उसका कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता वह मक्खी के मक्खाना ही बिन पानी गर्भाने और राज्य के उस हुक्म ने ही इस संसार रूपी गर्भ को धारण किया इस संसार को हिरण्य गर्भ कहा गया है तो इस संसार रूपी गर्भ को अथवा संसार को राज्य के हुक्म ने आदेश ने बनाया ऐसा इस साखी में कहा गया है और कह रहे हैं तीन गर्भ है गुण तीनों जाए उस प्रकृति रूपी गर्भ में जो कि बिना पानी के है उसमें उसने तीन गुणों को जाया है अर्थात पैदा किया है तीन गर्भे गुण तीनों जाए प्रकृति से तीन गुणों की उत्पत्ति होती है सृष्टि का चक्र क्या है हमारे दर्शन और उपनिषद बताते हैं कि मूल प्रकृति से तीन गुण की उत्पत्ति हुई पहले मोहतत्व फिर अहंकार फिर उसके बाद जो तीन गुण है तीन गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहा जाता है सत्व रज तमसम साम्य अवस्था प्रकृति तो उससे महतत्व फिर मोहतत्व फिर अहंकार फिर अहंकार से पंच तन मात्राएं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन पांच तत्वों की रचना होती है और फिर इन पांच तत्वों से समस्त सृष्टि बनी हुई है जिसमें अक्षर का मन का जो सांकल्पिक प्रतिबिंब स्वरूप है आदि नारायण वह अपने संकल्प से अनेक जीवों का रूप धारण करता है और प्रारंभ में सांकल्पिक सृष्टि रहती है और उन सांकल्पिक सृष्टि से आगे अंडज पिंडज उद्भिज और स्वेदज रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निर्माण आगे होता जाता है इस प्रकार से इस पृथ्वी को बने हुए एक अरब छियानबे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार एक सौ तेईस वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इतने में किस तरह से शून्य से यहाँ तक की सृष्टि बनी है उसका ये सांकेतिक रूप है कह रहे तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला लेकिन जिस परब्रह्म की इच्छा से ये सृष्टि बन रही ये तो सबसे अलग है अकेला है एक है वह परमात्मा एक है कबीर जी कहते हैं जो या पद को बुझे कहे कबीर या पद को बुझे सो सतगुरु में चेला अब इस प्रकार जब श्री जी ने यह कहा तो चिंतामणि जी ने कहा देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिलिया आए अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाए, अपने शिष्य से कह रहे कि शिष्यों ये शब्द ही हैं जो हमें पार पहुंचाने वाले हैं यही शब्द हैं जो हमें अखंड की तरफ लेकर जाने वाले हैं मैं आपसे जो बहुत पहले से कहता आ रहा हूं ये वही शख्स हैं ये वही व्यक्तित्व है जिनके विषय में हमें कबीर जी ने संकेत किया है उन्होंने अपने शिष्यों के बीच में अपना अहंकार त्याग करके इस बात को स्वीकार किया कि यही वो व्यक्तित्व है। पूर्ण पहचान अभी नहीं हुई है केवल शब्द से पहचान हुई है फिर भी उन्होंने स्वीकार किया अब इतनी मुलाकात करके जी साहब वहाँ से उठे और अपने निवास स्थान पर पहुँचते फिर एक दो दिन के बाद श्रीजी ने सोचा कि जागनी के राह में सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो अग्रगण्य है समाज के उन्हीं को बताया जाए बाकी का काम वो खुद ही कर लेंगे तो जैसे चिंतामणि जी को प्रबोधित किया वैसे ही कल्लू मिश्र नाम के एक कथाकार थे कथावाचक थे उनके वहाँ भी गए थोड़ी बहुत सत्संग भी किया लेकिन कहते हैं असनाई वहां कच्ची उत चर्चा सुनी सयन अब उनके अंदर वह पक्का व वा ईमान वाला भाव नहीं था तो ऊपरी ऊपरी तौर पर एक साधु एक सन्यासी सोच करके कि चलो बहुत अच्छे साधु आ गए हैं उस भाव से उन्होंने चर्चा सुनी श्री महामती जी कहते हैं कि ये सुंदर साधजी ये नगर की बीतक है जो कि विक्रम संवत सत्रह सौ चौबीस में घटित हुई है जिसका वर्णन अभी आगे और भी करना है अब श्री जी तो आग लगा करके चले आए चिंतामणि जी के हृदय में अब जो प्यासा होता है एक बार जिज्ञासा पैदा होने के बाद उसको ढूंढता है सच्चे जिज्ञासु का पता तभी चलता है कि उसके अंदर प्यास कितनी है उसके अंदर तड़प कितनी है चिंतामणि जी को शब्दों के द्वारा अभी समझ में आई है बात तो उन्होंने सोचा कि जिन्होंने ये शब्द कहा है अब दोबारा तो मेरी मुलाकात हुई नहीं तो वहाँ से वो निकले अपने घर से और पूछते फिर रहे कि वो जो साधु आए थे पहले जिनसे हमारी रात को मुलाकात हुई बातचीत हुई वो साधु कौन है उनका स्थान कहाँ पर है ऐसे ढूंढते ढूंढते कल्लू मिश्र के घर में पहुंचे तो कल्लू मिश्र ने कहा कि वो तो नाथा जोशी के घर में रहते हैं चिंतामणि जी नाथा जोशी के घर में गए तो वहाँ सभी सुंदर साथ के बीच में श्री जी बैठे हुए थे चर्चा कर रहे थे चिंतामणि जी ने श्री जी के चरणों में प्रणाम किया उनके साथ में जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने भी इसी तरह से श्री जी को प्रणाम किया और चर्चा सुनने लगे चर्चा में चिंतामणि जी को इतना आनंद आ रहा है कि अपने मूल को भूल गए यहाँ वाले मूल को वहाँ वास्तविक मूल के तरफ जब बढ़ने लग गए तो यहाँ का मूल उठ रहा है समाप्त हो रहा है अर्थात कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अहंकार होता है कोई भी व्यक्ति किसी के सामने ऐसे ही नहीं झुक जाता है जब तक उसे नहीं लग रहा है कि झुकने से कुछ मिलता नहीं है तब तक वह झुकता नहीं है चाहे हम विनम्रतावश झुक रहे हों तब भी कुछ ना कुछ इच्छा होती है तभी झुकते हैं और स्वार्थ बस झुक रहे हैं तब भी उसमें कोई इच्छा है पर विनम्रता वाली जो इच्छा होती है वो अलौकिक होती है और स्वार्थ वाली इच्छा वो लौकिक होती है चिंतामणि जी जो श्री जी के सामने झुके हैं तो उनके शिष्यों में खलबली मच गई कि हमारे गुरु जी इतने बड़े गुरु होकर के कैसे किसी दूसरे के सामने झुक रहे हैं लेकिन चिंतामणि जी तो कह रहे हैं श्री लालदास जी कहते हैं कि सुख पाया चर्चा ने अपनी मूली गई भूल चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल श्री जी की चर्चा सुन सुन करके अब वह अपने असल अर्थात वास्तविक अंकुर की तरफ बढ़ने लगे जागृत होने लगे तो यहाँ का जो मूल है कि मैं तो हजार शिष्यों का गुरु हूँ मैं कबीर पंथ का आचार्य हूँ लोगों में मेरा सम्मान है मैं किसी साधु के सामने नीचे बैठ करके उनकी चर्चा कैसे सुन सकता हूं ऐसा वो सब भूल गए हैं उन्हें केवल ज्ञान चर्चा से लेना देना है अब लेकिन उनके शिष्यों में खल खलबली मच रही है कि हमारे गुरु जी तो ऐसे ऐसे चले गए हैं इस तरह दो तीन दिन हुआ चर्चा चर्चा सुनते सुनते व्यतीत हो रही है इस तरह दो तीन दिन तक चर्चा सुनने के बाद चिंतामणि जी श्री जी के चरणों में श्री जी की पहचान करके प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मुझे आप पर पूर्ण रूप से विश्वास आ गया है अब एक दिन इसी चर्चा के क्रम में श्री जी ने चिंतामणि जी की खंडनी कर दी किसी विषय को लेकर के वो भी सबके सामने तो चिंतामणि जी ने अकेले में कहा बाद में कि श्रीजी साहेब आप जो कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूं कि मुझमें ये कमियां हैं पर कहते हैं तब चिंतामण छाने कह सरम राखियो बीच मोमिन चिंतामण जी ने अकेले में कहा श्रीजी साहब सुंदर साथ के बीच में कृपया आप मेरी इज्जत रख दीजिएगा क्योंकि सुंदर साथ में मेरी इतनी तो इज्जत है कम से कम कि हजार शिष्यों का मैं गुरु रहा हूं कभी तो आपको मुझे जो कुछ भी कहना हो आप एकांत में कहिए कितना भी डांटिए फटकारिए मैं सुन लूंगा पर दूसरों के सामने कृपया मुझे इस तरह से मत कही मत कहिए अब देखिए तीन चीजें हैं एक है अभिमान एक है स्वाभिमान और एक है अस्मिता तीन बातें हैं मैं जानता हूं स्वाभिमान है केवल मैं ही जानता हूं बाकी सब मूर्ख हैं यह अभिमान है लेकिन अस्मिता जो है वो इन दोनों का मूल है जिसको हम अध्यात्म की भाषा में अहंकार भी कहते हैं अहम वाणी में जिसको बारंबार मैं खुद ही कहा यह मूल रूप में है ऐसे ही समाप्त नहीं होता है और इसकी पहचान ऐसे ही की भी नहीं जा सकती है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम में विनम्रता है लेकिन हम में इस बात का अहंकार आ जाता है कि हम में विनम्रता है समझ रहे मेरी बात एक अभिमान छूट जाता है कि केवल मुझे ही आता है ये वाला अहंकार ये वाला अभिमान छूट जाता है मैं जानता हूं यह भी छूट जाता है लेकिन अंदर ये भाव रहता है कि अब मुझमें अहंकार नहीं है ये जो में वाला शब्द आ रहा है या अब मैं कुछ नहीं हूं इसमें भी मैं छिपा हुआ है पर बीज रूप में है जिसको अस्मिता कहा जाता है तो तीन चीजें हो गई अस्मिता स्वाभिमान और अभिमान हम सबको पता है कि हम में अभिमान है कि स्वाभिमान है कि क्या है जब हम ये कहते हैं कि मुझ में अहंकार नहीं है तो वह एक अहंकार है जो स्थूल ही है जब हम नहीं कह रहे हैं लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि अब मुझ में अहंकार नहीं आता वह बीज रूप में है हाँ ये अवस्था तब समाप्त होती है जब हम राज्य में डूब जाते हैं जिस समय हमारे स्वयं के होने का भी एहसास नहीं होता है उस समय ये अवस्था आती है और वो उतने समय तक ही रहती है कोई भी क्रिया करनी हो चाहे सेवा चाहे स्वाध्याय या फिर प्रवचन किसी भी प्रकार की क्रिया करनी हो तो उसमें अस्मिता रहता ही रहता है उसके बिना तो कर ही नहीं सकते ना इंद्रियां चलेंगी नहीं आपके होने का ही एहसास नहीं होगा ये तो समाधि हो गई तो समाधि की अवस्था में जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं उस अवस्था में तो अहम का बीज पूरी तरह से समाप्त हो जाता है अन्यथा उससे पहले अस्मिता और उससे भी पहले स्वाभिमान और उससे पहले अभिमान रहता है और कई बार विनम्रता का भी अभिमान रहता है जैसे सुनने में हास्यास्पद लग सकता है पर यह वास्तविकता है कई बार हम लोग मुख से बोलचाल में प्रयोग करते हैं कि सुंदर जी हम तो आपके चरणों की धूली हैं बोलते हैं कि नहीं कई लोगों से हमने सुना है कि सुंदर दूसरे सुंदर भी बोलते हैं तो शब्दों को सुनकर के तो ऐसा लगता है कि अरे रे रे इनसे अधिक विनम्र तो कोई होगा ही नहीं जो ये कह रहा हो कि मैं तो आपके चरणों की धूली हूं तो वो बहुत विनम्र लगता है लेकिन जब ये कहा जाए कि मैं तो आपके चरणों की धूल ही हूं और सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ आप हो उस समय भी यदि अहंकार नहीं आ रहा है उस समय भी आपके स्वाभिमान को ही सही ठेस नहीं पहुंच रही है तब समझ लीजिए कि हम चरणों की धूल बन गए हैं जैसे कई बार हम बोलचाल में कह देते ना कि हमने इसको छोड़ दिया हमने ये त्याग किया हमने उसको ठोकर मार दिया इसको ठोकर मार दिया इतना कहने के बावजूद भी अथवा मारने के ठोकर मारने के बावजूद भी हमें ये याद आ रहा है कि हमने ठोकर मार दिया है तो समझ लीजिए कि ढंग से ठोकर नहीं लगी है इसी तरह से हम तो आपकी चरण झूली है ऐसा कहने के बाद यदि हमें ये भाव आता है कि इसने ऐसा कैसे कह दिया कि आप हमारे चरणों की धूल हो या ऐसे ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में अहंकार छिपा हुआ है जो स्थूल अहंकार है उसको छोड़ना फिर भी आसान हो जाता है स्वाभिमान को छोड़ना और भी आसान है पर ये जो बीज रूप में है ना उसको जलाना बहुत मुश्किल काम है और इस संसार में बहुत सारे विकार हैं काम है क्रोध है लोभ है मोह है फिर अहंकार है ना इन सभी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई वाणी ने बताई है तो वो बताई है अहंकार को इसलिए मैं खुद ही को छोड़ने के लिए एक नहीं अनेक प्रकरण है क्यों वाणी क्या कहती है जेती बुजुर्गी बीच दुनिया के सो सब कुफर हथियार कुफरों में कुफर बुजुर्गी काम क्रोध अहंकार काम क्रोध अहंकार इत्यादि कुफरों में बुराइयों में जो बुजुर्गी है जो अभिमान है वह सबसे अधिक घातक है क्योंकि क्या होता है किसी व्यक्ति में यदि विनम्रता है भले ही उसमें दूसरी बुराइयां हो पर इतनी विनम्रता है कि वह स्वीकार कर लेता है तो मान लीजिए किसी के अंदर काम का विकार होगा तो उसको समझाया जा सकता है उसको सही रास्ता दिखाया जा सकता है <us éc à dim> किसी के अंदर क्रोध का विकार होगा तो उसको सही रास्ता दिखाया जा सकता है पर जो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो जो इतने अहंकार में हो कि वो स्वीकार ही ना करे तो उसको कैसे समझाया जाए और अहंकार भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं अभी शायद कल परसों की चर्चा में भी हमने सुना कि अहंकार किसी को पद का होता है किसी को प्रतिष्ठा का होता है किसी को धन का किसी को रूप का किसी को कला का किसी को ज्ञान का इन सभी प्रकार के अहंकारों में फिर जो ज्ञान का अहंकार है वो सबसे हानिकारक है क्योंकि किसी को धन का अहंकार होगा तो उसको ज्ञानी समझाएगा किसी को रूप का अहंकार होगा उसको ज्ञानी समझाएगा और जिसको ज्ञान का ही अहंकार होगा उसको कौन समझाएगा फिर केवल परमात्मा ही उसको समझा सकता है तो ये अहंकार की वास्तविकता है ये मैं खुद की वास्तविकता है इसको छोड़ पाना इतना सरल नहीं है इसको तभी छोड़ा जा सकता है जब हम धाम की मैं ले लेते हैं ना मैं बिन मैं मरे नहीं कहा है ना तो इसको तभी छोड़ा जा सकता है अब चिंतामणि जिसे अभी वो छूटा नहीं है ऐसा कहते हुए हम ये ना सोचे कि हमसे छूट गया है कई बार होता क्या है कि बीतक के कुछ कुछ प्रसंगों में जब भी उनका वर्णन किया जाता है उन नायकों का अथवा उन पात्रों का जब वर्णन किया जाता है तो हम स्वयं तो दृष्टाभाव में बन जाते हैं और वहाँ श्रीजी और दूसरे जो पात्र हैं इस बीतक में उनको हम किसी को नायक और किसी को खलनायक के रूप में देखते हैं जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है जब हम जयराम भाई के प्रसंग को वर्णित कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे जयराम भाई तो पूरी तरह माया में फंसे हुए थे उनके लिए श्री जी को बोलना पड़ा कोई ना अघाया इनमें चचोड़त चोड़ मुर्दार चिंतामणि जी को ऐसा कहना पड़ा उनके लिए तो किरणतन का प्रकरण अवतरित करना पड़ा सुनो रे सतके बन जा रहे बात कौन समझाई जी भाई को थप्पड़ पड़े बताइए लक्ष्मीदास जी की ऐसी हंसी हुई तो वहां हम दृष्टा बन के देखते हैं गोवर्धन जी और लालदास जी में विवाद हुआ पर हम अपने आप को उस स्थान पर रख करके भी देखें कि यदि हमारे में से हम में से किसी के भी एक हजार शिष्य होते समाज में इतनी प्रतिष्ठा होती किसी समाज के किसी संप्रदाय के आप विशेष धर्मगुरु होते और आपको सबके सामने आपकी खंडनी की जाती तो क्या आप स्वीकार कर पाते कम से कम चिंतामणि जी ने तो ये कहा श्री जी को कि श्री जी साहब आप अकेले में चाहे कुछ भी कहना हो कह दीजिए और ये बात भी चिंतामणि जी ने अकेले में कही वहीं सबके सामने नहीं कही हमारे जैसे होते तो पहले तो अपने शिष्यों को उठाते कि चलो चलो यहाँ कोई काम नहीं है और चले जाते तो यहाँ हम भाव से ना देखें यहाँ हमें शिक्षा लेने वाली बात है हमारे लिए कि चिंतामणि जी भले ही कुछ भी हो पहली बात जब श्री जी पहुँचे भी थे तब भी उन्होंने अपने तरफ से सुनाने की कोशिश नहीं की उन्होंने श्री जी को पूछा कि यदि आप मुझे कुछ देने के लिए आए हैं तो आप दीजिए और आप मुझसे कुछ लेना चाहते हैं तो जो चाहिए आप मुझसे लीजिए तो इतनी व्यवहारिकता तो हमें कम से कम सीखनी होगी इतनी विनम्रता सीखनी होगी अब श्री जी ने जब ये बात सुनी कि अकेले में कहना है श्री जी कहते हैं कि तब राजे इनसो कहया कहिया तुम्हारी क्यों ना रखें शर्म श्री जी कहते हैं कि मैं आपकी इज्जत क्यों नहीं रखूंगा भला अब से आपको मैं जो कुछ भी कहूँगा पर्दे की ओट में अर्थात गुप्त रूप से ऐसे कहूंगा कि मैं समझूंगा और आप समझेंगे बीच का तीसरा व्यक्ति नहीं समझेगा कि किसको कहा जा रहा है अब इस तरह की बात हुई इतनी बात करके चिंतामणि जी अपने घर में चले गए सब अपने अपने घर में गए रात को जी के हुक्म से जी की मेहर से एक किरण तन अवतरित हुआ अभी थोड़ी देर पहले हमने आदरणीय कमल जी के मुखार से सुना वह वाणी क्या है सुनोरे सत के बंजारे एक बात कहूं समझाई या फंद बाजी रची माया की में सब कोई रहा ऊर्जाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और यहाँ नाम चिंतामणि जी का है पर हम में से जो कोई भी व्यक्ति स्वयं को सत्य के रास्ते का अनुयायी मानता है उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्योंकि शब्द क्या है सत्य के बंजारे बंजारा कहते हैं व्यापारी को यह बंजारे का मतलब यात्री भी होता है जो घर बार छोड़ करके भटक रहे हैं अलग अलग जगह पे सत्य के व्यापारी व्यापार कौन कर सकता है फल के व्यापारी के पास फल होता है सब्जी के व्यापारी के पास सब्जी सत्य के व्यापारी के पास क्या चाहिए सत्य तो जिसके पास सत्य होगा वही सत्य का व्यापार कर सकता है व्यापार का मतलब यहां व्यवहार से भी है ठीक है तो श्री जी कहते हैं कि हे है सत्य के मार्ग पर चलने वाले संतों साधुओं वैसे तो ब्रह्म सृष्टि के लिए कहते हैं कि एक बात कहूं समझाई में आप सबको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि या फंद बाजी रची माया की तामे सब कोई इस माया ने ऐसा फंदा रच रखा है फंदा तो समझते हैं जाल ट्रैप ऐसा जाल रच रखा है कि इसमें हर कोई उलझ रहा है कोई भी इस जाल से बच नहीं पा रहा है और क्या कहते हैं आटी आन के फांसी लगाई वे भी उल्टी दई उलटाई ऐसी फांसी ऐसा फंदा तैयार कर रखा है इसने जिसमें प्रत्येक जीव को लटका रखा है और वो भी कैसे लटका रखा है उल्टा आप सोच रहे होंगे कि उल्टा लटकाने पे तो मरेंगे नहीं एक व्यक्ति को मृत्युदंड होना था फांसी होनी थी अंतिम समय में उसको पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बोले मुझे सिर नीचे पैर ऊपर करके फांसी दी जाए हम क्या सोच रहे होंगे कि ये तो उल्टी बात की जा रही है कि पैर ऊपर करके उलट करके फांसी दी जा रही तो ये तो मरेंगे ही नहीं पर ये तो दो मिनट पांच मिनट के लिए ना कभी आपने शीर्षासन किया दस मिनट के लिए पूरा ब्लड सर्कुलेशन जब सिर में आता है अब न ढंग से जी पा रहे हैं न ढंग से मर पा रहे हैं तो यहां उल्टी फांसी का तात्पर्य ये है कि फंदे से छूट भी नहीं रहे हैं और मर भी नहीं पा रहे हैं वे भी उल्टिए दई उल्टाई बंध पर बंध दिए विध विध के सो खोली न जाए और एक गांठ नहीं है अनेकों बंधन है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ऐसे विभिन्न प्रकार के बंधन दे रखे हैं जिसको खोलने की क्षमता किसी में भी नहीं है आगे कहते हैं चौदह भवन लग एही ही अंधेरी झूठे को खेल झूठाई और ऐसा किसी एक के साथ नहीं है पूरे चौदह लोक में जितने भी प्राणी हैं सबके साथ ऐसा ही है माया के बंधन ने किसी को भी नहीं छोड़ा है और ये ऐसा बंधन है कल भी हमने एक किसी संत की वाणी को सुना था कि काजल की काली कोठरी में काहो सयानो जाए एक लीक काजल की लागी है पहलागी है ये माया की नगरी ऐसी है कहा जाता है कि ब्राजील जो देश है ना वहां पर ना एक ऐसा द्वीप है एक ऐसा टापू है जहां कदम कदम पर सैकड़ों सांप है सर्प आप एक से बचेंगे दूसरे में पड़ जाएंगे इसी तरह ये जो माया है माया में इतने प्रकार के फंदे फैला रखे कि उसमें से एक में से कोई बचता है तो दूसरे में फंस जाता है दो से बचने की कोशिश करेगा तो तीसरे में फंस जाएगा यहाँ तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली अवस्था है कि कुएं में भी गिरना है तो मरना ही है खाई में भी गिरना है तो मरना भी है इसने अपना पूरा व्यापार फैला रखा है किरंदन की आ, रास की वाणी में राज जी क्या कहते हैं ऐहना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चप्पल विशेष रूप से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है ये पांच हथियार हैं माया के इन पांचों हथियार के फिर और सहायक हैं ये सभी ऐसे विषय हैं जो कि राग जनित हैं राग से उत्पन्न होते हैं अब यदि इनकी इच्छा हो रही है तो उनको कहते हैं काम इच्छा हो रही है पर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आता है क्रोध एक बार पूर्ति हो गई तो दोबारा पाने का लोभ होता है जो उनको पूरा कर देता है उन रागों के विषयों को पूरा कर देता है उनके प्रति मोह हो जाता है इन सुखों के संसाधनों की अधिक प्राप्ति हो जाती है तो उस बात का अहंकार हो जाता है आपसे ज्यादा किसी और को मिलता है तो ईर्ष्या होती है जो दूसरे को ज्यादा दे रहा है आपको कम दे रहा है तो उससे द्वेष हो जाती है पांच विषय हैं, ठीक है थेके? इन पांचों से सब कुछ उत्पन्न हो रहे हैं अब इसने इस तरह से सेटिंग से कर रखी है कि आप एक में नहीं फंसेंगे तो दूसरे में फंस जाएंगे हम सब में विकार है लेकिन सब में अलग अलग है हो सकता है किसी के अंदर काम विकार ज्यादा है किसी के अंदर हो सकता है कि क्रोध का विकार ज्यादा हो किसी के अंदर हो सकता है कि मोह रूपी विकार हो किसी के अंदर अहंकार हो किसी के अंदर सभी भी हो सकती है किसी के अंदर दो तीन हो सकती है, है ना तो अलग अलग विकारों से हम सब भरे हुए हैं ठीक है तो कह रहे हैं चौदह भवन लग एही अंधेरी झूठ को खेल झूठाई वाणी कहती है ना कि ए ऊपर हवे शू कहूँ बीजा नाम ते कहना लवूँ एणे वचने सरवालो थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवयो तत्व सहु एणीए जीती लीधा चौदे लोग पोताना कीधा पूरे चौदह लोग को इसने अपना बना रखा है अपना इसलिए बना रखा है क्योंकि इसी ने ही तो पैदा किया है माया से ही पैदा हुई है और इसने इस तरह के फंद रच रखे हैं कि कोई भी इससे नहीं बच पाता है कहते हैं प्रगट नास व्यास, पुकारे, सुकदेव साख पुराई। व्यास जी ने तो प्रगट अर्थात स्पष्ट रूप में कह रखा है कि मायावी जितने भी संसाधन है इस माया का वैसे तो नाश ही होना है सुखदेव जी ने भी इस बात की पुष्टि की है प्रमाण दिया है पर हम इस चीज को मानकर नहीं चल रहे हैं हम क्या मान करके चल रहे हैं कि ये तो अनादिकाल से हम भी यहीं के हैं और यहीं पर हम मिट जाने वाले हैं हमारा व्यवहार कुछ इस तरह का है आगे क्या कहते हैं लोकलाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई क्योंकि सत्य के अनुयायियों के लिए कहा जा रहा है कि तुमने लोकलाज मर्यादा को छोड़ा तब जाकर आप ज्ञानी बने विशेष रूप से यहाँ साधुओं के लिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधु बनता है सन्यासी बनता है तो कहीं ना कहीं लोकलाज मर्यादा को छोड़ना ही पड़ता है ये बात सच है इतना सरल भी नहीं है बन पाना सन्यास ग्रहण करने का तो नियम ही ये होता है कि यदि विवाहित व्यक्ति सन्यास लेता है तो सबसे पहले तो जिससे विवाह हुआ है उस पत्नी को ही अब माँ कह करके बुलाना पड़ता है अब उसके लिए सभी स्त्रियां माता के समान है अपनी माता से और अपनी पत्नी से पहले तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे सर्वप्रथम भिक्षा लेनी पड़ती है और भिक्षा के अलावा और कोई गुजारा नहीं कर सकते आप संग्रह नहीं कर सकते और जब आप भिक्षा लेने लग जाते हैं तो दुनिया विभिन्न प्रकार के ताने भी देती होगी कि देखो काम करना ना पड़े इस वजह से भीख मांगने निकले साधु बनकर निकले इस तरह से सुनना पड़ता है तो लोग लाज मर्यादा को एक तरफ तो छोड़ा और तब जाकर के आपको ज्ञान की ज्ञानी होने की पदवी मिली है कहते हैं एक आग ज्यो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई लेकिन आपने क्या किया पहले एक बार के लिए तो लोकलाज मर्यादा के बंधन को छोड़ दिया पर आपने क्या किया छोटी आग को जैसे बुझाया उसी तरह से बड़ी आग लगाई यहां छोटी आग और बड़ी आग क्या है आग का मतलब यहां माया से है छोटी आग और बड़ी आग कबीर जी ने इसी बात को थोड़ा उल्टे ढंग से कहा क्योंकि उनका स्वभाव है कबीर जी उल्टे रूप में बोलते हैं कबीर जी कहते हैं मोटी माया सब तजी पर झीनी तजी न जाए उन्होंने बड़ी माया को और छोटी माया को अथवा मोटी और पतली माया कहा है यहां उल्टा है यहां पतली और मोटी है भाव एक ही है एक आग जो छोटी बुझाई इसका तात्पर्य यह है कि तीन प्रकार की तृष्णाएं होती है माया भी तृष्णाएं एक है लोकेष्णा दूसरी है वित्तेष्णा और तीसरी है दारेषणा लोकेशणा का मतलब है इस संसार में सम्मान पाने की इच्छा कि हम बड़े पद पर पहुंचे हमारा मान सम्मान हो तो प्रतिष्ठा की इच्छा हो गई लोकेशणा वित्तेषणा का तात्पर्य वित्त कहते हैं धन को तो धन संपत्ति का जो मोह है उसको कहते हैं वित्तेषणा और दारेषणा का तात्पर्य होता है सगे संबंधियों का मोह जब व्यक्ति गृहस्थ में होता है तो ये तीनों मोह, ये तीनों इच्छाएं छोटे रूप में होती है वो अपने परिवार के लोगों में सम्मान चाहता है कि चलो घर के लोग सभी मुझे सम्मानित रूप से बात करें या समाज में वो सम्मानित जीवन यापन करना चाहता है इसी तरह से कुछ हज़ार या कुछ लाखों की वो नौकरी चाहता है कि चलो लाख डेढ़ दो, दो लाख रुपए हो गए तो मेरा गुजारा चल जाता है सामान्य रूप से वैसे तो तृष्णा कभी भी किसी की समाप्त नहीं होती है फिर भी औसत रूप में देखा जाए तो इतना इतनी आग उसको लगी होती है और दारिशणा में वो चाहता है कि मेरा जो परिवार है पाँच सात आठ दस लोगों का तो वो अच्छे से रहें खुश रहें तो ये छोटी आग हो गई अब बड़ी आग अर्थात जब व्यक्ति इन तीनों को छोड़ करके सन्यास धारण कर रहा है साधु बन रहा है और उसके बाद तीनों चीजें अब बड़े लेवल पर है अनलिमिटेड है यहां पर जैसे संसार में जो पद मिलना था जितने तक की आप कल्पना कर सकते थे वो उधर ले रहे थे उसको छोड़कर के आप सन्यासी बने हैं और आप चाहते हैं कि आपके नाम के आगे सब लोग श्री 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 लगा करके बात करें जगत गुरु फलाना डिमका बहुत सारे पद लगा करके बात करें तो वो हो गई बड़ी आग इसी तरह से लाख डेढ़ लाख रुपए की आपकी आमदनी भी नहीं होती होगी या होती होगी पता नहीं पर आप साधु बने हैं तो आप चाहते हैं कि जितने भी मेरे शिष्य हैं, वो मुझे चढ़ावा चढ़ाएं। अब आपकी आमदनी अनलिमिटेड है बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिनके पास पर्सनल प्रॉपर्टी के नाम पर पांच पांच सौ करोड़ रुपए की संपत्ति है कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी इतनी संपत्ति कमाने में पूरी मेहनत करता है पूरी योजना बनाता है तब जाकर के भी नहीं कमा पाता है और बिना मेहनत के बैठे बैठाए यहां सौ सौ करोड़ हजार हजार करोड़ की संपत्ति हो रही है तो यहां कोई लिमिट नहीं है इसी तरह से परिवार की बात थी पांच दस लोगों के परिवार को छोड़ा और यहां शिष्यों की मंडली का मोह हो गया तो इसको कहेंगे बड़ी आग कबीर जी ने इस बात को जो कहा है उल्टे रूप में इसका अर्थ यह है कि जो मोटी माया है वो दिखाई पड़ने वाली है तो गृहस्थी को तो सब माया ही कहते हैं तो ये दिखाई देने वाली माया है सन्यासियों को साधुओं को कोई ये नहीं कहता कि आप माया में फंसे हैं, पर वो फंसे होते हैं इसीलिए उसको कहा है बारीक माया दिखाई न पड़ने वाली माया तो कबीर जी ने क्या कहा मोटी माया सब तजी झीनी तजी न जाए अब आगे कहते हैं कोट सेवक करो नाम निकालो इष्ट चलाओ बढ़ाई कि आप चाहे करोड़ों सेवक बना लो चाहे बाकी सब लोग आपके नाम को इष्ट के रूप में मान करके क्योंकि बहुत सारे साधुओं ने ऐसे ऐसे मत मतांतर की भी स्थापना की है कि उनके शिष्य उनको ही परमात्मा मानकर चल रहे हैं कोई कह रहा है कि ये प्रजापति जो है प्रजापिता जो है वो परमात्मा है कोई कह रहा है राधा स्वामी है वो परमात्मा है कोई कह रहा है कि ये महावीर स्वामी परमात्मा है कोई कह रहा है कबीर जी परमात्मा है ये सब तो महापुरुष है ना परमात्मा तो वह है जो सृष्टि से पहले था सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा जिसके लिए वेद कहते हैं ना सदा सिन्नो सदा तदानिम नासिद्ध रजो नो व्यमा परोयत। वाणी जिसके लिए कहती है कि अब कहूं मूल वचन प्रकार जब नहीं उपजियो मोह अहंकार ना ही निराकार ना ही सुन ना निर्गुण ना निरंजन ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं आपावी निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जा की इच्छा मूल प्रकृति तो ये ये जितने भी साधु महात्मा हुए हैं कोई सौ साल पुराना है कोई डेढ़ दो सौ तीन सौ साल पुराना कोई हजार साल पुराना भी हो पर परमात्मा तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने नाम के संप्रदाय चलाए हैं तो उनके जो शिष्य हैं, वो उन्हें ही उन गुरुओं को ही उन साधुओं को ही इष्ट के रूप में आराध्य के रूप में पूजते हैं श्री जी कहते हैं कोट सेवक करो नाम निकालो इष्ट चलाओ बढ़ाई सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ पर अलख न देवे लखाई कि आप भले ही स्वयं को सतगुरु कहलाओ सब लोगों से अपनी सेवा कराओ फिर भी जो अलख परमात्मा है अलख अर्थात तो जिसकी लख जिसकी पहचान आज दिन तक किसी ने भी नहीं की थी उसकी पहचान आपको नहीं हो पाएगी भले ही लोग आपको परमात्मा मानकर पूजें पर आपको अपनी असलियत का तो पता होगा इसीलिए अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को यही खाड़ बड़ी भाई जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ा जो अहंकार है वो ज्ञान का अहंकार होता है तो श्री जी कहते हैं कि अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को ज्ञान के अहंकार को छोड़ो ये जो खाड़ है ये जो गड्ढा है ये जो खाई है वो सबसे बड़ी खाई है इससे गहरी कोई खाई ही नहीं हो सकती एक डारी त्यों दूजी भी डारो जलाए देव चतुराई आपने जिस तरह से छोटी माया को छोड़ा है जिस तरह से छोटी आग को बुझा दिया है इसी तरह से जो बड़ी आग है उसको भी आप बुझा दो और फिर कहते हैं कि यह सब कब संभव होगा पर मनवा दिए बिना हाथ ना आए सत की बड़ी ठकुर यह अहंकार तब समाप्त होगा जब आप अपना हृदय दे देंगे जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अहंकार पूर्ण रूप से कब समाप्त होता है समाधि की अवस्था में समाधि की प्राप्ति कब होती है जब हम अपना दिल उस परमात्मा को देते हैं ना एक बार क्या हुआ राजा जनक ने अष्टावक्र जी से कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए मुझे आत्मज्ञान चाहिए और वो भी बहुत कम समय में कितने समय में कहते हैं कि जितने समय में एक व्यक्ति घोड़े पे चढ़ करके उतर जाता है इतने कम समय में मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए अष्टावक्री जी ने कहा मैं दे तो दूंगा पर इसके लिए तुम्हें अपना मन मुझे सौंपना पड़ेगा जनक जी ने कहा ठीक है ऐसा सोच करके वो बैठ गए अब बैठने के बाद वो सोचने लग गए शुरुआत में तो विचार ही आते हैं फिर धीरे धीरे करके उन विचारों में भी यह विचार आने लगा कि मुझे तो सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि जब मैंने मन दे दिया है तो मनन करने का कार्य मेरा नहीं है अब ऐसा करते करते धीरे धीरे उनके विचार ही बंद हो गए जैसे ही विचार बंद हो गए उनकी समाधि लग गई और समाधि लग गई तो वो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे उसकी प्राप्ति हो गई तो ये सरल सा उपाय है अब यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं महामती जी कि पर मनवा दिए बिना हाथ ना आए सत्य की बड़ी ठकुराई सत्य की जो महिमा है ठकुराई का मतलब है उसकी महिमा से कि सत्य की इतनी महिमा है कि इसको ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको पाने के लिए तो मन देना पड़ता है मन देने का मतलब क्या हुआ मन देने का मतलब सब कुछ दे दिया हमारे शरीर की कार्य प्रणाली हमारे इंद्रियों की या अंतस्करण की कार्य प्रणाली किस पर निर्भर है मन पर जिसके लिए वेद क्या कहते हैं यस्मिन न रीते किंचन कर्म क्रियते जिस मन के न रहने पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है और वो मन ही हमने दे दिया तो इसका मतलब है कि हमने अपना सर्वस्व दे दिया क्योंकि सत्य जो है वह परमात्मा है परमात्मा सर्वस्व है जैसे हम लोक व्यवहार में कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जब हमें सब कुछ पाना है तो मन अभी के लिए हमारा सब कुछ है तो इस मन को ही देना पड़ता है उसके बिना हम सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते अब कहते हैं और उपाय या कोई नहीं, जिन देवे आप बड़ा ही इसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है और फिर अंतिम में कहते हैं महामती कहे सावचेत हो मिल्या है अंकुर आई महामती जी कहते हैं कि देखिए ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है अंकुर के कारण मूल निस्बत संबंध के कारण प्राप्त हो रहा है मिले है अंकुर आई झूठी छूटे सांची पाइये सतगुरु लीजे रिझाई अब आपको क्या करना है झूठ को छोड़ना है चाहे वो झूठा अहंकार हो चाहे झूठी तृष्णा हो हर प्रकार के झूठ को छोड़ना है और सत्य को प्राप्त करना है सत्य को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है कि सत्य से ही उसको पाया जा सकता है वाणी के इसी प्रकरण के आगे पीछे एक प्रकरण आता है जिसमें कहा गया है कि साचारी साहेब साँच सो पाइए साँच को साच है प्यारा तो झूठ को छोड़िए सत्य को पकड़िए और अपने सतगुरु को आप रिझाइए तब आप उसे प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से प्रकरण अवतरित हुआ सुबह के समय चिंतामणि जी आते हैं आकर के जब श्री जी को प्रणाम किया श्री जी ने कहा उन्हें कि रात को एक प्रकरण अवतरित हुआ उसको देख लीजिए क्योंकि उन्होंने कह रखा है ना कि मैं सीधे खंडनी नहीं करूंगा चिंतामणि जी ने जब उस प्रकरण को देखा क्या कह रहे तीन में सुकन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान जो चौपाई थी ना अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को यही खाड़ बड़ी भाई तो चिंतामणि जी ने देखा कि उसमें तो खंडनी के वचन कहे हुए हैं इसमें तो ये कहा है कि ज्ञान के अहंकार को छोड़िए जब उसको पढ़ा उन्होंने तो कहते हैं प्रातः को आए जब पढ़िया तब चिंतामण को भई पहचान तब चिंतामणि जी को पहचान हो गई पूरी पहचान हो गई और होता क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बात बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि जब व्यक्ति को कुछ नहीं आता है तो उसको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है फिर जब वो थोड़ा थोड़ा जानने लगता है तो उसको लगता है कि मैं जानता हूं लेकिन जब जितना वो जानते जाता है जितना वो उसको पता चलते जाता है तो उसको यह पता चलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं ज्ञान के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही है कहते हैं कि एक बार को सब कुछ पढ़ना पड़ता है सब सीखना पड़ता है और फिर जिसको पाना चाहते हैं उसको पाना हो तो जो पढ़ा हुआ है सीखा हुआ है वो भी एक बार में छोड़ देना पड़ता है तो ये ज्ञान के अहंकार की बात है चिंतामणि जी पहले बिल्कुल भी पहचान नहीं थी तब वो कहते थे कि आपको मुझे कुछ सीखना है मुझसे तो आप कह सकते हैं पूछ सकते हैं फिर जब उनको बात कुछ समझ में आने लगी तो उन्होंने कहा कि श्री जी आपको जितनी खंडनी करना हो कर लीजिएगा पर दूसरों के बीच में मेरी इज्जत रख दीजिएगा और जब बात पूरी तरह से समझ में आई तो कहते कि नहीं अब तो वो भी नहीं करना है क्या कहते हैं अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर सेवकों आगे तब कहा मैं खाली कछू ना खबर कहते श्रीजी साहब मेरा जो अभिमान अहंकार रूपी काला कुत्ता है आप उसके सिर पर अपने ज्ञान रूपी लाठी से मारिए और अपने शिष्यों के तरफ मुंह करके क्या कहते हैं कि शिष्यों आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ मैं आप लोगों के गुरु के रूप में भी था पर आप आज से ये बात मैं पूरी तरह से सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं खाली कछु ना खबर मैं तो पूरी तरह से खाली था मुझे कुछ भी खबर नहीं थी मुझे कुछ भी पता नहीं था अब कहते हैं तब श्रीजी सराइया स्याबास चिंतामण श्रीजी साहब कहते हैं कि चिंतामण जी आपको है आपको धन्यवाद है कि आपने इस बात को स्वीकार किया सबके सामने अपने अहंकार को पूरी तरह से त्यागा और यह बात हर कोई नहीं कर सकता है। हर किसी के वश की बात नहीं है ये कौन कर सकता है पाई ते ए सुकन मोमिन तूने अपने संबंध की पहचान की है और ऐसे शब्द तो केवल ब्रह्म सृष्टि ही बोल सकती है इसके अलावा और कोई भी इस तरह के पहचान भरे शब्द नहीं बोल सकते इस तरह से श्री जी ने चिंतामणि जी को श्या दी अब चिंतामणि जी ने जैसे ही सभी शिष्यों के सामने इस तरह से स्वीकार किया तो क्योंकि वो शिष्य भी तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के लक्ष्य की तरफ तो बढ़ना चाहते ही थे जिन्होंने चिंतामणि जी पर पूर्ण रूप से विश्वास किया था कि ये हमें आगे तक ले जाएंगे वैसे तो गलत नहीं हुआ यदि आपने संसार में सच्चे गुरु को भी पकड़ा है तो भी वे जैसे ही उन्हें सत्य का पता चलेगा वो आपको सत्य तक पहुंचाएंगे कोई भी सच्चा गुरु शिष्य को अपने आप से बांधना नहीं चाहता है यूं समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको स्वयं से बांध रहा है आपके व्यक्तिगत विचारों से बांध रहा है तो समझ लीजिए कि वह सच्चा गुरु अथवा सच्चा सदगुरु नहीं है कोई भी सच्चा गुरु भी होगा वो भी नहीं बांध के रखता है उपनिषदों में भी बहुत सारे ऐसे ऋषियों का प्रसंग आता है कि जिनके जो भी शिष्य होते हैं उनके शिष्य किसी दूसरे विषय में जानना चाहते हैं तो वो अपने शिष्यों को बोल देते थे कि आपको इस विषय में जानकारी चाहिए तो फलाने ऋषि के यहाँ चले जाइए आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी अब जैसे ही चिंतामणि जी ने अपनी बात स्वीकार की अपनी कमी स्वीकार की कि मैं खाली कछू ना खबर तो शिष्यों ने सोचा कि जिनके सानिध्य में हमारे गुरु जा रहे हैं हम भी उनके सानिध्य में हो जाते हैं तो इसीलिए चिंतामणि जी सहित उनके सभी शिष्यों ने श्रीजी से तारतम ज्ञान ग्रहण किया तारतम ज्ञान ग्रहण करते हुए श्रीजी ने किस तरह से चार बातों का परहेज कराया वे चार बात कौन कौन से उन्होंने मांसाहार का परहेज कराया शराब आदि का परहेज कराया परस्त्रीगमन गमन का और चोरी तथा झूठ बोलने का कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि मांसाहार को क्यों पाप बताया है शराब इत्यादि को पाप क्यों बताया जाता है कई लोगों के मन में सवाल ये होता है मांसाहार के संदर्भ में भी सवाल होता है कि चलो खुद हम हिंसा कर रहे हैं, तो पाप है हम तो बाजार से खरीद के लाते हम खुद तो मारते नहीं हमें पाप नहीं लगना चाहिए ऐसे कुछ लोगों के सवाल होते हैं किसी के मन में ये सवाल होता है कि शराब में तो किसी की हिंसा भी नहीं होती है वो तो फल का रस होता है वो तो अनाज का रस होता है तो उसको पीने में पाप नहीं लगना चाहिए तो इसकी वास्तविकता क्या है मद्यपान में पाप क्यों लगता है मांसार में पाप क्यों लगता है इन सभी प्रश्नों का उत्तर कल की चर्चा में दिया जाएगा अभी के लिए समय पूरा होता है तो रहिए कहिया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत परहेज कराया चार बात का ए कबूल कर दिल लेत ए कबूल कर दिल ले बोल श्री प्राण ना श्री सदगुरु महा